हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दो रायते, जो खाने के स्वाद स्वाद आपको सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। खासकर खून बढ़ाने वाले हैं ये। बथुए का रायता हम बनाएंगे। बथुआ भी खून बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और चुकंदर तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा होता है खून बढ़ाने के लिए। तो आप किसी न किसी रूप में बच्चों को ज़रूर खिलाया करें। तो देखिए, हम यहाँ पे एक उबला हुआ चुकंदर ले लेते हैं। चुकंदर को आप छिलके सहित कुकर में उबाल लें अच्छे से धोने के बाद, और इसके दोनों साइड के आप डंठल काट लें, उसके बाद ही बॉईल करें। तो ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा 3 सीटी तक। उसके बाद हम इसके छिलके उतार के देखिए छोटे छोटे पीस में इसके कट कर लेंगे। वैसे तो रायते के लिए ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से अच्छे ऐसे छोटे छोटे पीस ज़्यादा अच्छे लगेंगे रायते में, तो छोटे पीस ही करें। तो देखिए, सारे चुकंदर के मैंने छोटे पीस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर रायता बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बोल हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर हम दही डाल लेंगे, और दही को अच्छे से पहले हम फेंट लेते हैं, अच्छे से क्रीमी बना लेंगे तो रायता अच्छा लगता है इस तरीके से, अगर हम क्रीमी सी दही बना लेते हैं तो। अब हम यहाँ पे चुकंदर के पीस डाल लेंगे। चुकंदर बच्चों को किसी ना किसी रूप में ज़रूर खिलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैंने चुकंदर की पूरी और पराठे भी बनाए हुए हैं। बच्चे अगर वैसे तो ऐसे चुकंदर तो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें रायता बना के दे दे या पूरी पराठे बना के दे दे तो वो ज़रूर खा लेंगे। तो किसी ना किसी तरीके से बच्चों को तो ज़रूर खिलानी चाहिए हेल्दी चीज़ें। तो बाहर बाहर की चीज़ें बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उन्हें घर पर बहुत हेल्दी हेल्दी खाना आप खिलाने की कोशिश करिए। अब हम यहाँ पे भुना हुआ जीरा डाल लेते हैं। 2 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे भुना हुआ जीरा डालूँगी। भुने हुए जीरे का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1/4 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे काली मिर्च, चाहे तो आप इसकी जगह लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और 1/4 चम्मच हम यहाँ पे डाल लेंगे काला नमक। उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं सफ़ेद नमक की जगह यहाँ पर काला नमक डाली हूँ, क्योंकि काले नमक का रायते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं सफ़ेद नमक तो रायते में बहुत ही कम डालती हूँ, काला नमक ही इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ऊपर से थोड़ा सा हम यहाँ पे इसके पीस और डाल लेते हैं ताकि रायता हमारा देखने में थोड़ा और अच्छा लगे। तो देखिए, हमारा चुकंदर का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रायता बनके तैयार हो गया है। आप इस रायते को ज़रूर खाएं। और सर्दियों का मौसम है तो इसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे हमने मसाले भी डाले हुए हैं। तो ये विंटर स्पेशल आपका रायता भी तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं बथुए का रायता। बथुए का रायता भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। बथुए में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बच्चों से लेके बड़ों तक को आप ये खिला सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे बथुआ ले लिया। इसकी पत्तियाँ लेनी है, डंठल नहीं लेना। अच्छे से धो करके साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हमें गैस पर पानी रख दिया एक पतीले में, और जब पानी में उबाल आ जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर बथुआ डाल लेंगे। और सिर्फ आपको 1 या 2 मिनट ही इसे पानी में डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बथुए में थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है जो कि पानी में डालने से थोड़ा ठीक हो जाएगा। हम पानी में बहुत ज़्यादा पका नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी इसमें विटामिन्स मिनरल्स है वो पानी में ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। सिर्फ 1 से 2 मिनट, उसके बाद तुरंत हम इसे पानी से निकाल लेंगे और जल्दी से हम इसे ठंडे पानी में डाल लेंगे, ताकि इसकी कुकिंग वहीं पर एकदम से रुक जाए। नहीं तो इसी पानी में छोड़ा तो पूरी कुकिंग होती रहेगी और इसमें जो भी विटामिन्स वगैरह है सारे पानी में ख़राब हो जाएंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है। इस तरीके से बथुए का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा वो पानी में आ जाएगा, और जो ये थोड़ा सा खड़ा सा होता है वो भी ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। और देखिए, मैंने पानी में बॉयल करने के बाद इसे कट किया है। पहले ही काट लेंगे तो बहुत ज़्यादा विटामिन्स ख़राब हो जाएंगे, तो बाद में ही कट करें। पत्ते सहित ही आप पानी में बॉयल करें। अब हम यहाँ पे एक बोल ले लेते हैं और इसमें हम यहाँ पे दही डाल लेते हैं, और दही को थोड़ा सा अच्छे से आप फेंट भी लें। तो देखिए, दही को मैं अच्छे से फेंट रही हूँ, क्योंकि फेंटने के बाद दही अच्छी क्रीमी क्रीमी सी हो जाती है, तो रायता देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद 1 छोटी चम्मच हम यहाँ पे भुने हुए जीरे का पाउडर डाल लेंगे। मैंने भुने हुए जीरे के साथ साथ थोड़ी सी काली मिर्च भी पीस ली है। और 1/4 चम्मच हम यहाँ पे काला नमक डालेंगे, और 1/4 चम्मच मैं यहाँ पे डाली हूँ चाट मसाला। इससे रायते में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर बथुआ डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बथुए की तासीर वैसे गर्म भी होती है, सर्दियों में अगर आप इस तरीके से रायता बना के खाएंगी तो बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होगा, आपको ठंड भी नहीं लगेगी। और हमेशा रायता आप दोपहर के समय ही खाएं, शाम के बाद तो रायता बिल्कुल ना खाएं। दोपहर के खाने में आपको रायता आप खा सकते हैं।
उसके बाद हम इसे थोड़ा सा तड़का भी लगा लेंगे। बथुए के रायते में हम तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी चम्मच तेल डाल लेंगे, आधा छोटी चम्मच हम यहाँ पे डाल लेते हैं जीरा, और एक चुटकी हम यहाँ पे हींग डाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। एक चुटकी हम यहाँ पे डाल लेते हैं लाल मिर्च, कलर वाली मिर्च है, तीखी कम होती है, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा ऊपर से हम जब तड़का लगाएंगे। अब देखिए ऊपर से हम तड़का यहाँ पे लगा लेते हैं और तड़का लगाने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारे बथुए का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रायता बनके तैयार हो गया है। सर्दियों का मौसम है, दही की तासीर थोड़ा ठंडी होती है, तो उसको थोड़ा सा गर्म करके हमने देखिए इसमें गर्म बथुआ डाल लिया है, इसमें काली मिर्च डाली है, भुना हुआ जीरा डाला है। बहुत ही हेल्दी हमारा रायता बनके तैयार हो गया है। अब भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।